शिमला पुलिस रोड उच नाके दौरान चैकिंग करने पर दो बंदे ते लखां रुपए के सोने चांदी के गहने पकड़े हैं। पुलिस दोनों आरोपियों जो गिरफ्तार भी कर लिया है। 16 नवंबर जो जाली रोड उच पुलिस गश्त करा दी तो सूचना मिली कि दो बंदे अवैध रूप से सोने चांदी के गहने लेने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीमें SIU कने PO सैलरे कने मिली ने मेहंदली च नाका लगाया। नाके दौरान दो लोगों की तलाशी ली गई तो तीन रेबल से 6,20,000 रुपए नकद 269.3 ग्राम रे सोने के गहने 1.8 किलो चांदी के गहने बरामद हुए। कर्मचारियों की समस्या जो हल करने 27 नवंबर जो होने वाली JCC बैठक च आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा जोरों से उठाने की तैयारी चला दी है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि यह हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी का मसला है। कहने तिना जो उम्मीद है कि सरकार इस पर बड़ा ऐलान करना, इस मुद्दे जो JCC बैठक च भी सही तरीके ने उठाया जाना। ग्रामीण विकास कने पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश मनरेगा तहत 88.87 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इन्हें कहा कि भारत सरकार जो मनरेगा अंतर्गत साल 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2 महीने भीतर भेजे जाने। बुधवार जो संसदीय परंपरा रही इतिहास एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश की पहली ई विधानसभा च देश भर के पीठासीन अधिकारी हिमाचली ई विधानसभा प्रणाली के गवाह बने गए हैं। पीठासीन अधिकारियों का यह समारोह हिमाचल विधानसभा के काउंसिल चैंबर च होया, वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअल संबोधित किया। भाजपा महामंत्री त्रिलोक चंबाले कहा कि कांग्रेस जो हाले भी अपनी जीत तरह विश्वास नहीं होता, ये जीत कांग्रेस लिए अकस्मात जीत है। कांग्रेस ने नेतियां जो खुद नहीं लगाता था कि इसे जीत हासिल कर सकते हैं। भाजपा नेता कहा कि कांग्रेस नेतियां द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार कने तथ्यहीन है। तीने कहा कि भाजपा चुनावों जो चुनावों की तरह लड़िया कने किसी भी प्रकार के चुनावों जो प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेता करा दे हैं, निराधार है। हिमाचल च एक हफ्ते तक बरखा कने बर्फबारी नहीं होनी। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन ठंडी से लोगों को राहत नहीं मिलनी। ब्यागा संजा ठंडी से इजाफा होना। बुधवार जो राजधानी समेत प्रदेश भर च मौसम साफ बने रहा कने धूप खिली रही। दिन रे टाइम धूप खिलने से लोगों को काफी राहत मिली। राजधानी शिमला च बुधवार जो स्कूल जाते दो छात्रा जो एक पिकअप गड्डी टक्कर मारी थी, जिसके चलते दोनों छात्र घायल हो गए। घायलों च एक छात्रा अंजलि जबकि एक छात्रा आदित्य है। घायल छात्रा जो तुरंत IGMC हॉस्पिटल ले जाया गया, जिथे जिथे इनका इलाज चला है। DSP हेडक्वार्टर कमल शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पिकअप गड्डी के टक्कर लगने के कारण दो छात्रा जो चोटा लगी हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल के कोल डैम जो परफॉर्मेंस रे आधार पर कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। NTPC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रे परियोजना प्रमुख एवं महाप्रबंधक नंदन सिंह ठाकुर ने दस्या कि NTPC कोल डैम विद्युत उत्पादन रे कन्ने कन्ने अपने सामाजिक दायित्वों जो भी खूबी निभाता है। तिने कहा कि पिछले साल 3,054 बिलियन यूनिट री तुलना च कोल डैम में 3,221 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। मंडी जिले के सुंदरनगर च नवाली कुड़िया ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ब्याह करने का झांसा देने कुड़िया के कन्ने सुंदरनगर शहर रे ही कमरे से दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 376 ने पॉक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों आरोपी हाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मंडी जिले से संबंध रखने वाली जोई ठाकुर मिस हिमालय 2021 का खिताब अपने नाव करी ने अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार कने प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। दसी दी कि दिल्ली च 13-15 नवंबर तक आयोजित होदी मिस हिमालय 2021 प्रतियोगिता च भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कने तिब्बत रे 15 प्रतिभागी हिस्सा लिया था। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए जोई ठाकुर मिस हिमालय 2021 का खिताब अपने नाम किया है।